हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। आज और एक श्रील प्रभुपाद की लीला हम देखेंगे। श्रील प्रभुपाद जब लंदन इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे जो बीटल्स के जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन लेनन, इनके घर पे रुके थे। तो बहुत ही बड़ा विशाल ऐसा उनका घर था, इतना बड़ा गार्डन था और उनके इतने सारे क्वार्टर्स थे। तो एक क्वार्टर में श्रील प्रभुपाद को उन्होंने रहने के लिए जगह दी थी और श्रील प्रभुपाद के साथ उनके कुछ भक्त भी थे, उनको भी रहने के लिए ये जॉन लेनन ने जगह दी थी। उनका बड़ा इस्टेट था लंदन में। तो एक बार जॉन लेनन, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को उनके बिल्डिंग में बुलाया उनसे बात करने के लिए। तो ये जो जॉन लेनन थे, ये और उनकी पत्नी योको योनो, ये दोनों साथ में रहते थे। तो उनका बिल्डिंग और श्रील प्रभुपाद का बिल्डिंग नज़दीकी था, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को इनविटेशन दिया कि आप यहाँ पे आइए और हम कुछ बातचीत करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया और कुछ उनके शिष्यों के साथ वो श्रील प्रभुपाद और कुछ शिष्य जॉन लेनन और योको योनो के बिल्डिंग में उनसे मिलने के लिए गए। घर काफ़ी बड़ा था उनका, अलीशान। तो श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने वहाँ पे प्रवेश किया तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि कुछ ऐसे अश्लील चित्र उन्होंने, जॉन लेनन ने अपने घर पे लगाए, कुछ गंदे चित्र ऐसे लगाए। तो श्रील प्रभुपाद उससे खुश नहीं हुए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा व्यक्ति है, बीटल्स के जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति, जो सिंगर थे बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन और ये जॉन लेनन, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है चलो, उन्होंने सहन किया और फिर जॉन लेनन से मिलने गए। तो जॉन लेनन और उनकी पत्नी वहाँ पे बैठी थी, उन्होंने उनका, श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों का स्वागत किया। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बैठे तो ये जॉन लेनन और योको योनो ये श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे थे, श्रील प्रभुपाद स्वामी जी, वो बोले कि मैं और मेरी पत्नी जो है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वी आर परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर एंड वी कैनॉट लिव विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे पे बहुत प्रेम करते हैं, वैसे जॉन लेनन बोल रहे थे। उनकी पत्नी भी, योको योनो, बाजू में बैठी थी, वो भी बोली यस स्वामी जी, हम एक दूसरे पे बहुत प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते। तो जॉन लेनन ने पूछा श्रील प्रभुपाद को कि स्वामी जी, आप ऐसा हमें आशीर्वाद दे सकते हैं क्या कि हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हम मृत्यु के बाद भी हम एक साथ रहे, जन्मों जन्मों तक हम एक साथ रहे, ऐसा कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े और एक दूसरे के साथ ही रहे। ऐसे जॉन लेनन श्रील प्रभुपाद को बोल रहे थे। और श्रील प्रभुपाद ने जब ये सुना प्रश्न, तो वो गुस्सा हो गए और बोले कि दिस इज नॉनसेंस, ये मूर्खता है। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये जो संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, ये प्रेम नहीं है, ये आपका जो संबंध है सिर्फ काम है, ये प्रेम बिल्कुल नहीं है। प्रेम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से हो सकता है और किसी के साथ नहीं। तो आप ये दूसरे से तथाकथित प्रेम करते हैं, ये सिर्फ शारीरिक संबंध है और ये मृत्यु के समय आपका संबंध टूट जाएगा, मृत्यु के बाद आप एक दूसरे को मिल नहीं सकते। तो ये एकदम आपका जो विचार है, एक नॉनसेंस है, मूर्खता है। ये आपका संबंध है, शारीरिक संबंध है और ये मृत्यु के समय टूट जाएगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। तो ऐसे स्ट्रांगली श्रील प्रभुपाद लेनन, जॉन लेनन को बोलते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद डरे नहीं, क्योंकि उनके घर में रुक रहे थे और इतने बड़े व्यक्ति थे जॉन लेनन, लेकिन उनको उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जो है वो बता दिया। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद ये जॉन लेनन इतने फेमस हो गए, एक बार उन्होंने ऐसे पब्लिक में कहा कि आई एम मोर फेमस देन जीसस क्राइस्ट, कि मैं जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा फेमस हूँ। तो ऐसा जब कहा तो उसमें से एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा जो पब्लिक में था,
तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसका बदला लूँगा। और बाद में एक समय वो व्यक्ति एक बार जॉन लेनन से मिलने जाता है, सभी काफ़ी सारे फैन आते हैं उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, और ये जो व्यक्ति रहता है वो आखिर में आता है और जॉन लेनन से ऑटोग्राफ मांगता है। जॉन लेनन दे देता है ऑटोग्राफ, और जब जॉन लेनन पलटता है और जाने लगता है तो ये व्यक्ति रिवॉल्वर निकालता है और पीछे से जॉन लेनन के ऊपर गोली चलाता है, 4 गोली चलाता है इतने नज़दीक से, और जॉन लेनन धाड़ से गिर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं, पुलिस आते हैं, इस व्यक्ति को पकड़ते हैं, जॉन लेनन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन जॉन लेनन की उधर ही मृत्यु हो जाती है। और जब उसके पत्नी को समझता है कि जॉन लेनन चला गया, तो वो इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, और श्रील प्रभुपाद के वो वचन उसको याद आते हैं। बाद में इस व्यक्ति को कारावास हो गया, वो जेल में चला गया। लेकिन हम इस कथा से देखते हैं कि कैसे ये संबंध जो है हमारा अपने जो रिश्तेदार है वो सिर्फ एक शारीरिक संबंध है, मृत्यु के बाद उसका अंत होगा। इसलिए हमारा संबंध भक्तों से होना चाहिए, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए, जो संबंध कभी भी टूटेगा नहीं, मृत्यु के बाद भी रहेगा, इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।